डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ जागृति विहार के सुनसान इलाके में किशोरी से रेप का मामला सामने आया है। किशोरी द्वारा शोर मचाने पर जमा हुए लोगों ने दो आरोपियों को मौके से पकड़ लिया, जबकि एक भाग निकला। पकड़े गए दोनों युवक मुस्लिम बिरादरी से, जबकि किशोरी बहुसंख्यक। मेडिकल थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हिंदू संगठनों ने देर रात तक हंगामा किया। हिंदू संगठनों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अभी भी मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों को अपना निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पीड़ित पिता ने कैमरे के सामने रेप की बात कही, जबकि तहरीर में प्रयास बताया गया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि तहरीर में यह बदलाव पुलिस दबाव के चलते हुआ है। गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम सोएब पुत्र निजामुद्दीन निवासी किदवई नगर, मोबिन पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी इस्लामाबाद मेरठ हैं, जबकि उनका तीसरा साथी साहिल भाग निकला। मेडिकल कॉलेज में मौजूद हिंदू जागरण मंच महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही, महानगर अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच मेरठ। क्या मामला था, किस मामले को लेकर के आप थाने पर आए? देखिए, सूचना मिली थी एक हिंदू नाबालिग लड़की है और तीन मुस्लिम लड़के जो जागृति विहार के अंदर थाना मेडिकल जो लगता है यहाँ पे गुजर चौक लगता है एक्सटेंशन के आसपास, वहाँ पे अंधेरे में उस नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कितना गलत प्रयास कर रहे थे उसके साथ, वो तो बच्ची बताएगी, उसके माँ बाप बताएंगे थाने में। तो हमें सूचना मिली, हम लोग यहाँ पे आए और ये जो तीनों ही मुस्लिम लड़के हैं, ये थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के, ये आपका श्याम नगर और इधर के रहने वाले। पहली बात तो ये लोग इतनी दूर से यहाँ जंगल में हिंदू लड़की को लेके जा रहे हैं। माहौल इतना, मतलब योगी जी का सरकार है उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं जो की जा रही, लव जिहाद धर्मांतरण का कितना खेल पहले चला है, कानून आने से रुका है और अब फिर से ये घटनाएं इस तरीके से जो करी जा रही हैं, तो इन पर रोक लगनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए माँ और पिताजी दोनों यहाँ मौके पर बुलवा लिए थाने में, मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। और ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ। कितना वक्त हो गया थाने में आपको? तीन घंटे से हम और जो है भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी हैं और संगठनों के लोग भी हैं। तो क्या इसमें पुलिस लीपापोती करने में लगी पड़ी? देखिए, इसमें आपके माँ बाप जो है दोनों ही मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए तैयार शुरू से ही हैं, जब से उन्हें बुलवाया गया। उसके बाद थोड़ा उन लोगों को प्रेशराइज करा गया, क्या कराया गया बीच में उन लोगों को, बड़ी मतलब वो उनका मन, ये देखिए ना, उनका मान सम्मान की लड़ाई है। भाई, एक नाबालिग लड़की है और वो एक जंगल में अगर तीन लड़के लेके जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं उसके साथ, तो बड़ा ही, और ये बड़ी घटना भी हो सकती थी क्षेत्र में। मैं कह रहा हूँ बवाल भी हो सकता था, अगर ये बढ़ जाती घटना, कुछ भी हो सकता था लड़की के साथ भी। और जो जिन लोगों ने पकड़ के दिया है, हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने मौके पर पकड़ा और थाने सौंपा पुलिस को, क्या पता वो मारपीट के जो है कोई किसी घटना में कोई मर भी सकता था उनमें से, लड़के में से, कितनी बड़ी घटना हो जाती। तो पुलिस को भी सीरियसली लेनी चाहिए इनके क्षेत्र का मामला, मेडिकल के घटना ऐसी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।